अब देखिए ये पूरा हेड निकल आएगा आगे। पूरा हेड निकाल लेते हैं आगे। फिर आप ये देखिए यहाँ पर एक पेच लगा हुआ है और एक पेच इधर से लगा हुआ, दोनों खोल लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि सारे पेंच खुल गए हैं, लेकिन अभी एक पेंच बाकी रह गया है जो आपको आपकी गाड़ी में कहीं भी छुपा हो सकता है। जैसे कि ये यहाँ पर इसमें ये छुपा हुआ है, इसको निकालने के लिए आप पेंच का इसमें डालेंगे, ये खुद ही निकल आएगा बाहर। ये देखिए ऐसा हो जाएगा, फिर इसमें पेंच दिखाई देने लगेगा और फिर खोल दिया जाएगा। इन सारे पेंचों के लिए आप स्टार पेचकस का ही प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप दूसरे पेचकस का प्रयोग करेंगे तो क्या पता है इसकी चूड़ी चली जाए और जो नट है वो फिर शायद ना खुले। इस वजह से स्टार पेचकस ही का प्रयोग करें। और इसमें नीचे भी दो पेच लगे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है इंडिकेटर की वायरिंग है, जिसको निकाल लेते हैं। ये सारी वायरिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको निकालने ही बिना काम हो जाएगा। ये देखिए ये LCD की वायरिंग है और मैं अब लाइट की वायरिंग निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये लाइट की वायरिंग निकल आई है और सब कुछ हो गया है। और ये मैंने पूरा हेड निकाल, सामने वाली लाइट थी जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, सामने वाली लाइट थी। अब मैं इसको सबसे पहले खींच लेता हूँ, इसको पकड़ के निकल आएगा। ये देखिए मैंने दोनों लाइट निकाल लिए इसमें से खींच करके। अब मैं ये सफ़ेद वाली लाइट लगाने वाला हूँ। ये मार्केट में 30 या 50 रुपए की आपको कॉस्ट में मिल जाएगा, और ये भी 30 या 50 रुपए की कॉस्ट में मिल जाएगा। आपको जो समझना है वो लगा सकते हैं। ये 7 रंग में चलती है और ये केवल वाइट कलर की चलेगी। अभी मैं आपको जला के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको लगा लेता हूँ, यूँ करके इसमें फिट हो जाती है आराम से। चलिए मैं चला के पहले इसको मैं देख लेता हूँ कि ये जल रही है कि नहीं जल रही है। इसका पॉइंट ये रहता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा खांचे बने रहेंगे कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये इसी का है। मैंने इसको लगा लिया और ये देखिए और ये देखिए दोनों जलने लगे हैं। अब मैं इसको फिट कर लेता हूँ। आप चाहे तो कोई भी लगा ले, कलर डाला लगा ले, आपको ये कई रंगों में मिल जाएगी। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, कोई भी रेड कलर में चाहिए तो मिल जाएगी।
चलिए मैं अब इसको फिट कर लेता हूँ। इसमें बांध लेता हूँ। सबसे पहले आप नीचे वाले पेंच बैठा लें क्योंकि यही बांधने में दिक्कत करते हैं। मैंने अब सभी चीज़ फिट कर ली हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे फिट करेंगे। ये देखिए इसमें खांचा यहाँ पे कटा हुआ है और खांचे में फंसाना रहता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं सब चीज़ की वायरिंग कर लेता हूँ। आपको घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि इसमें कलर सबके सेम रहते हैं। जैसे इसमें ग्रीन वायर ग्रीन में लगाएंगे और जो ब्लैक वायर है ब्लैक वायर में ही लगाएंगे। और दूसरा इंडिकेटर ये रहा, इसका देखिए ब्लू कलर है तो ब्लू में लगा देंगे और ब्लैक वाला ब्लैक में लगा देते हैं। और LCD का मैं LCD में लगा देता हूँ। इसको मैंने पूरा बैठा लिया है, आप सही से देख लें खांचे में ही बैठा है। आपको मैंने पहले ही दिखाया था कि यहाँ पर एक पेंच लगा था और जितनी भी जगह पेंच लगे थे सारे मैं ठीक से कर देता हूँ।